नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। दूसरे चरण में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के साथ साथ राजधानी में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों की आवाजाही भी सामान्य बनी रहे, इस पर दिल्ली पुलिस द्वारा खास ध्यान दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले चरण में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया गया। दूसरे चरण में भी लोग अपने अपने घर रहें और उन्हें दी गई हिदायतों का पालन करें, इस पर पुलिस बारीकी से नजर बनाए हुए है। दूसरे चरण में भी जरूरी सेवाओं और सामान की आपूर्ति बराबर बनी रहे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक जो हमारे सामने चुनौती रही कि लॉकडाउन करते हुए कैसे हम एसेंशियल गुड्स की सप्लाई जारी रखें, तो उसके लिए बैकग्राउंड में रह करके बहुत काम किया गया कि किस प्रकार से रिटेलर अपनी दुकान खोल सके, किस प्रकार से रिटेलर को होलसेलर से सामान मिल सके, और इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें आगे काम किया। इसमें ये भी बहुत ज़रूरी रही कि जो ज़रूरत के जो मूवमेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर्स के पास मूवमेंट हो या डॉक्टर्स का हॉस्पिटल जाने के मूवमेंट हो, ये सब होता रहे। और कुछ लोग ऐसे लोग जो हैं जो बेवजह मूवमेंट करते हैं वो ना कर सके, जो डिसिप्लिन होनी चाहिए सड़कों पे वो डिसिप्लिन रहे। पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग पुलिस द्वारा जारी निर्देशों और चेतावनियों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं और बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। लिहाजा ऐसे गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। जो अजीब अजीब बहाने कर रहे हैं, तो वो बेसिकली वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरों की सेफ्टी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात रही, हमने ऐसे लोगों को जो गलत मूवमेंट कर रहे थे, जिनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, उनको हमने सख्ती से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और उन्हें आगे आने वाले दिनों में कोर्ट में उन्हें बारंबार उनको जाना पड़ेगा और कोर्ट से सजा भी देगी। पुलिसकर्मी दिन रात अपने फर्ज को अंजाम देने में जुटे हैं ताकि कोविड-19 महामारी पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पुलिसकर्मियों को हर प्रकार की सजगता बरतने की हिदायत दी है। हमारे सामने भी एक चुनौती है कि किस प्रकार से हम भी इस प्रकार की रोग को बढ़ने से रोकने में मदद करें सरकार को, तो आगे बढ़ करके हमने मदद किया है। हाँ, इसके साथ हमारे भी पुलिसमैन वो भी इस चपेट में ना आए, तो उनको बारंबार हमने उनको मैसेजेस देते रहे, उनको बताते रहे, उनको ब्रीफ करते रहे कि आप जो कुछ भी करें अपने को बचाते हुए करें, क्योंकि दोनों साथ हो सकता है। आप काम भी करें और अपने को बचा सकें, इसमें कोई ऐसा कोई विरोध नहीं है। तो उनको हमने किया, साथ में साथ उनके साथ जो भी हम उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, बिकॉज ये बड़ा स्ट्रेनुअस जॉब है, सुबह से लेकर के शाम तक पूरी रात खड़े रहना और दूसरों और समाज के लिए खड़ा रहना, ये बड़ा स्ट्रेनुअस काम है। लॉकडाउन के दौरान अगर किसी भी नागरिक को कोई भी परेशानी होती है तो वो दिल्ली पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 2346-9526 पर फोन कर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। लॉकडाउन के दौरान अफवाह या झूठी खबर फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने वाले शरारती तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहती है। ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटने के लिए भी पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे पास इस प्रकार की अरेंजमेंट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, कि कोई भी अगर शिकायत करता है तो
बहुत ही जल्द हम उसकी शिकायत को हम ग्राउंड लेवल तक हम पहुंचा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही की वजह का हेल्प लेकर के हम कर पा रहे हैं। कोई आजकल सोशल मीडिया में कोई रॉन्ग पोस्ट करता है, कोई इन्फ्लेमेटरी पोस्ट करता है, हम उसे पता लगा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे टेक्नोलॉजी का हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है। पुलिस द्वारा समय समय पर लाउडस्पीकर के जरिए भी नागरिकों से घर पर रहने की अपील की जा रही है। यही नहीं, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए भी पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता भी पैदा की जा रही है, जिससे इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो और लोग बिना किसी कारण अपने घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। इसके जरिए घनी आबादी या क्षेत्र पर आसानी से नजर रखी जा सकती है और हिदायतों का पालन ना करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सब्जी मंडियों पर भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करवाया जा रहा है, ताकि वहाँ खरीददारी करने आए लोग संक्रमण से बच सकें। दिल्ली पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन से तमाम जो मंडी है उस पर नज़र रखी जा रही है। अर्ली मॉर्निंग से लेकर हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। जब अर्ली मॉर्निंग में मार्केट में वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तब से लेके जब तक वहाँ से ये रिटेलर्स को बेच नहीं देते, तब तक इस पर हम कॉन्स्टेंटली नज़र रख रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ये भी इंश्योर कर रही है, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक असेंशियल कमोडिटी है और इसकी भी सप्लाई इंश्योर है और प्रॉपर अरेंजमेंट और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ज्यादा वहाँ रश ना हो, दिल्ली पुलिस ये सब इंश्योर कर रही है। पुलिस द्वारा दी गई हिदायतों का सही तरह से पालन हो, लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए स्वयं सेवक भी पुलिस का सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। जहाँ ये स्वयं सेवक विभिन्न कार्यों में पुलिस की मदद कर रहे हैं, वहीं ये घर घर जाकर लोगों से साफ सफाई रखने, सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टरों, बैनर और साइनेज का भी दिल्ली पुलिस प्रयोग कर रही है। इन पोस्टर्स और बैनर्स को गलियों, सड़कों, एटीएम और बाजारों में लगाया गया है। लोगों में जागरूकता पैदा करने में ये पोस्टर्स काफी प्रभावी साबित हो रहे हैं। याद रखिए, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई को बचाव से ही जीता जा सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी निर्देश का पालन करें और अपने अपने घर पर ही रहें। दिल्ली पुलिस का सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और धैर्य बनाए रखें। एक नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं, ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं, आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें, अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के दौरान गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों या अन्य जरूरतमंदों के लिए
दिल्ली पुलिस किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं हो रही। ऐसा ही एक मामला ईस्ट किदवई नगर में सामने आया, जहां एक गर्भवती महिला को लेबर पेन के दौरान एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में तत्काल कदम उठाते हुए पुलिसकर्मी गर्भवती महिला को इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल से अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन अस्पताल के रास्ते में ही गर्भवती महिला ने वैन में ही बच्चे को जन्म दिया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, जिनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, तो उनको हमने ये भी ऐसा हमने अनाउंसमेंट किया कि अगर वो 112 पे फ़ोन करती हैं या उनके परिवार से कोई फोन करता है, तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में भी मदद करेंगे। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें पुलिस ने मानवीय आधार पर त्वरित कदम उठाते हुए गर्भवती महिलाओं को सकुशल अस्पताल पहुंचाया है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ लोगों को मदद पहुंचाने में दिल्ली पुलिस अहम भूमिका निभा रही है और आगे भी निभाती रहेगी। दिल्ली पुलिस की पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी ने दक्षिण पश्चिम जिले के कापसहेड़ा पुलिस स्टेशन में भोजन और अन्य आवश्यक सामान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पुलिस स्टेशन के स्टाफ और सीएपीएफ कर्मियों को लंच बैग और अन्य आवश्यक सामान वितरित किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरी दिल्ली फोर्स द्वारा प्रदर्शित की गई कड़ी मेहनत और पेशेवर प्रतिबद्धता को पहचान प्रदान करना था। गौरतलब है कि लॉकडाउन सुनिश्चित करने, आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने और इमरजेंसी में बड़े पैमाने पर नागरिकों की सहायता करने के बीच सही संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी की काफी सराहना की जा रही है। इसके अलावा कापसहेड़ा इलाके में रहने वाले जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों के बीच भी लगभग 1000 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। साथ ही स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उन्हें नहाने और कपड़े धोने का साबुन भी बांटा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के लिए लॉकडाउन में भोजन जुटा पाना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी गरीबों को भोजन मुहैया कराने में अहम भूमिका निभा रही है। पुलिस द्वारा रोजाना हजारों की संख्या में भोजन के पैकेट्स और किराने का सामान लोगों को वितरित किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में कई लोग और संस्थाएं सामने आई हैं, जो ऐसे लोगों को भोजन और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराने में लगी हैं। दिल्ली पुलिस भी ऐसे लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन संस्थाओं को लॉकडाउन के दौरान भोजन सामग्री वितरण में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें खास तौर पर पास जारी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, लिहाजा पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष निगरानी में गरीब तबके के लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। जो लोग भूखे थे, जो जरूरतमंद थे, नीडी पर्सन्स थे, उनके लिए हम लोगों ने समाज सेवी लोगों से, जो अच्छे ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं, उन लोगों से मदद लेकर के उनको खाना तक पहुंचाया। जो फूड ग्रेन्स थी, फूड ग्रेन्स को हमने जो ऐसे घरों पे जो जिनको अनाज नहीं मिल पा रहा था, तो उनको अनाज तक पहुंचाया। भोजन वितरण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में खास व्यवस्था की गई है। साथ ही छोटे बच्चों के लिए दूध और अन्य चीजें भी वितरित की जा रही हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है, ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। पुलिस द्वारा लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि आगे भी जरूरतमंदों को भोजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। संकट की इस घड़ी में दिल्ली पुलिस दिन रात मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम देने में लगी है,
ताकि लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित घरों में रहें। इस दौरान पुलिस अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा कर रही है ताकि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी मदद की जा सके। जानी मानी हस्तियों ने भी पुलिस की इस भूमिका की सराहना की है। Hi, this is Virat Kohli. It is heartening for me to know that the police service across the nation is helping so many people in these difficult times. I want to acknowledge the efforts of Delhi police who have not only performed their duties with absolute honesty but also taken food to the poor people on a daily basis, which is their utmost requirement. So well done and keep putting in the same effort. Hi everyone. While we have the luxury of being at home, staff of Delhi police is working tirelessly to ensure that people stay home safely and maintain social distancing while they step out of homes to buy essentials. So, and also ensuring that poor and needy people, they get their food. So we all are proud of you. We are proud of your efforts. I just want to request you that stay safe and take care while performing your duties. दोस्तों, ये समय है घर में रहने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने का। दिल्ली पुलिस के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आइए इस लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस की सहायता करते हैं अपने अपने घर रहकर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अफवाहों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। इस लड़ाई में हम सब मिलकर जीतेंगे। जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।